हेलो जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे लेडीज़ कोट कॉलर नेक डिज़ाइन। तो इस कुर्ती के ऊपर हम कोट कॉलर वाला नेक बनाएंगे। इसके लिए हमने शोल्डर लिया है 7.25 इंच पर और पीछे वाला 1.25 इंच का पार्ट हम लंबा रखेंगे। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे कॉलर वाला उसमें हम बैक पार्ट लंबा रखेंगे। और ये कपड़ा हमने लिया है सलवार का, इसके ऊपर हमने चिपका ली है पेस्टिंग पेपर। इस पे अब हम करेंगे नेक कटिंग। तो इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। कपड़े की चौड़ाई हमने रखी है 8 इंच और लंबाई रखी है 13 इंच। अब पेस्टिंग पेपर वाले कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से सीधा जो कान है उसको निकालने के लिए एक सीधा निशान लगा देंगे। अब गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और नीचे से रखेंगे 3.5 इंच। इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। और ये निशान लगाने के बाद शेपर की मदद से हम ये गोलाई बना लेंगे और यहाँ से नेक को कटिंग कर लेंगे। अब बाहर की साइड हम 2-2 इंच पे एक निशान और लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब दोनों साइड के कपड़े को पकड़ के यहाँ पे लगा देंगे कट। यहाँ से कट लगाने के बाद नीचे से तक भी हम एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगाएंगे हम 4.5 या 4.25 इंच पर। अगर आप ऊपर शोल्डर से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 8.5 इंच पे लगा सकते हैं। यहाँ तक हम इस नेक को खुला रखेंगे, इसलिए हमने ये निशान लगाया है। अब इस नेक को हम कुर्ती की फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और सेम इतना ही हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से नेक कट करने के बाद सबसे पहले हम पट्टी की जो बाहर की साइड है इसको फोल्ड कर लेंगे। और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से छोटे छोटे कट लगाएंगे। यहाँ से गोलाई है तो आसानी से हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा जब हम सिलाई लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दिए। पट्टी की बाहर की साइड हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब कुर्ती का फ्रंट पार्ट रखेंगे और फ्रंट पार्ट पे इस नेक को बीच सेंटर से सेंटर मिलाते हुए अच्छे से रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बीच सेंटर पे एक निशान लगा लिया ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से हमने बीच सेंटर मिलाना है। जो ऊपर ये हमने 1.5 इंच पे कट लगाया था मैंने उस पर चौक से निशान बना लिया है। अब जो इस ये चौक से निशान बनाया है वहीं से हम सिलाई लगाते हुए और जो नीचे निशान बनाया है 4.5 इंच तक, यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फिक्स करने के लिए मैंने ये पिन लगा ली है और बीच सेंटर पे एक बार हम सीधा निशान लगा लेंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से तो हमारी सिलाई एकदम सीधी होनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से धागे को पक्का करते हुए और 1/2 इंच से भी कम मार्जिन को हम अंदर दबाते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे इस निशान तक लेकर आएंगे। फिर यहीं से वापस घुमाते हुए और जो ये 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक हम इस सिलाई को लेकर आएंगे। तो देखिए, सिलाई हमें इस तरह से लगानी है नीचे से ताकि हम यहाँ से कट करेंगे तो और पट्टी को नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। और ये कट लगाते समय हम विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इस तरह से कट लगाते हुए पट्टी को नीचे की साइड पलट देंगे और कोने अच्छे से निकालेंगे हम किसी भी निकुली चीज़ से,
और ये जो हमने यहाँ पे कट लगाया था इसको इस तरह से ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ से एक टॉप स्टिच लगाते हुए नेक को पक्का कर लेंगे। टॉप स्टिच यहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक दोनों साइड हमने 1.5 इंच पे कट लगाया था। और टॉप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे जो भी कच्चे धागे हमारे हैं उसको हम साथ साथ कटिंग कर लेंगे ताकि नेक में फिनिशिंग बैठे। तो इस तरह से ये हमारा ऊपर की साइड से खुला रहेगा और ये नेक पलटकर इस तरह से आएगा। तो फ्रंट पार्ट हमने तैयार कर लिया है, पीछे की साइड यहाँ पे हम बाद में करेंगे तुरपाई। अब दोनों पार्ट्स को लेकर के शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट्स को आमने सामने रखेंगे और शोल्डर्स पे सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद गले को इस तरह से मिला करके पकड़ेंगे और जो पीछे का पार्ट है उसमें से 1/2 इंच की कटिंग हम यहाँ पर देंगे। इस तरह से निशान लगा लें और 1/2 इंच की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग करने के बाद पूरे गले की गोलाई मापेंगे। गोलाई माप करके हम फिर उसी हिसाब से यहाँ पर कॉलर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर हमारी गोलाई निकली है तो 13 इंच की हम कॉलर तैयार करेंगे। उसके लिए ये पेस्टिंग पेपर हमने लिया है, इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। तो नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है और इस निशान को हम आगे तक सीधा कर लेंगे। निशान को सीधा करने के बाद गले की जो पीछे नेक की हमने चौड़ाई ली थी उतनी ही 3 इंच पे हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे और जो गले की गोलाई हमारी 6.5 इंच पे आई है यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए और इस तरह से हम कॉलर की गोलाई दे देंगे। ये गोलाई देने के बाद ऊपर से आप नेक को सीधा रख सकते हैं या 1/2 इंच इसको बाहर की साइड निकाल कर इसकी शेप इस तरह से कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे नेक को ज़रूर से हम गोलाई में चेक कर लेंगे कि कहाँ तक हमारा नेक जो है परफेक्ट बैठता है, वहीं पे हम निशान लगा लेंगे और उसी के हिसाब से कॉलर को कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से हम हल्की सी शेप देकर 1/2 इंच नीचे की साइड यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग होने के बाद पेस्टिंग पेपर को हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। कपड़े के ऊपर चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच ही हम सिलाई के लिए इसके चारों तरफ कपड़ा छोड़ेंगे। अब नीचे की साइड से हम कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगने के बाद एक पट्टी और लेंगे और इस पट्टी के ऊपर इस कॉलर को रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से पक्का करते हुए बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई यहीं तक हमारी लगेगी। सिलाई लगने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और कॉलर को पलट लेंगे। जहाँ पर भी हमारी कॉलर के कोने हैं वहाँ पे हम ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे, बिल्कुल कम कपड़ा ही यहाँ पे रखेंगे ताकि कोने जब हम पलटें तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ बाहर निकलें। कोने को हम पेचकस की सहायता से अच्छे से निकाल लेंगे और इस तरह से हम कॉलर तैयार करके इसके ऊपर एक बार प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारी कॉलर सेट हो जाए।
कॉलर को प्रेस करने के बाद इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से बीच सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे या फिर चौक की सहायता से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की साइड हमने सिलाई में दबाना है वहाँ पे हम हल्के हल्के निशान लगा लेंगे ताकि हमें आइडिया लग सके कि इतना ही कपड़ा हमें यहाँ पे दबाना होता है। अब जो कुर्ती का पीछे का नेक है उस पर भी निशान लगा लेंगे बीच सेंटर में और इस तरह से यहाँ से हमारी कॉलर लगाना हम स्टार्ट करेंगे। और कॉलर का एक पार्ट ही हम यहाँ पे सिल लेंगे, नीचे का पार्ट पकड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती का और कॉलर का बीच सेंटर दोनों आपस में मिलने चाहिए तभी हमारी कॉलर परफेक्ट कॉलर चढ़ पाएगी। तो इस तरह से पूरी कॉलर को हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए आसानी से हमारी कॉलर की सिलाई हमने लगा ली। अब अंदर की साइड जो भी कपड़ा है इसमें लगा लेंगे छोटे छोटे कट। और ये कट लगने के बाद पूरा मार्जिन हम अंदर की साइड कर देंगे और कॉलर का एक स्टिचिंग और लगाएंगे ऊपर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम जो भी सिलाई का मार्जिन है उसको कॉलर के अंदर की साइड दबाते हुए पूरी कॉलर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। कॉलर पे सिलाई लगाने के बाद यहीं से हम घुमाते हुए ऊपर की साइड भी कॉलर के किनारी पर से सिलाई लगा लेंगे ताकि कॉलर हमारी अच्छे से सेट हो जाए और फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो पूरी कॉलर पे हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ कॉलर तैयार हो चुकी है। अब जो अंदर की साइड ये शोल्डर पे सिलाई होती है इस पे मैं कट ज़रूर लगा लेती हूँ ताकि जब हम कॉलर को पलटे तो ये कपड़ा यहाँ से खिंचाव में नहीं आता। अब कॉलर पे अच्छे से प्रेस करके इसको सेट करेंगे। इससे पहले हम नेक की जो अंदर वाली पट्टी है उस पे तुरपाई करेंगे तभी ये अच्छे से पलट पाएगी, वरना तो वो जो अंदर की पट्टी है वो साथ में ही उठेगी। जब हम इसको अच्छे से सेट करेंगे तो ये हो ही नहीं पाएगी। तो ये देखिए हमारी कुर्ती का कॉलर का फाइनल लुक इस तरह से बड़े फिनिशिंग के साथ ये कॉलर हमने तैयार की है। और आप भी आसानी से ये वाला स्टेप फॉलो करके कॉलर कोट कॉलर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।